नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचआरएक्स गेमर में। और आज का जो वीडियो है वो एक सुपर हीरो गेम के बारे में है जिसका मूवी भी निकला था। इस गेम का नाम है हेलबॉय द साइंस ऑफ ईवल और ये गेम PS2 में है। और ये आपको तो पता होगा कि PS2 का गेम एंड्रॉयड में भी आ चुका है। सो इस गेम को खेलने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने इस गेम का जो है लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसीलिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गेम का जो साइज़ है वो 300 MB के आसपास है, सो आप इसीलिए से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है जो है जेड अचीवर, यहाँ पे देख सकते हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। इसे आपको इंस्टॉल करके ओपन करना पड़ेगा और आपको सर्च करना है कि आपने किस फोल्डर में गेम को जो है रखा है। मेरा गेम्स नाम का एक फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है, इसी में मैंने रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 301 MB का यहाँ पे मेरा शो कर रहा है ये zip फाइल। इसी के अंदर जो ISO फाइल है, मतलब जो गेम है वो इसके अंदर ही है। फिर से करना क्या है, इसमें करना है एक्सट्रैक्ट, इस फाइल को करना है एक्सट्रैक्ट। इसमें क्लिक करना है आपको और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, इसमें आपको क्लिक करना है और ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे कीपिंग द स्क्रीन टर्न ऑन यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि आपका स्क्रीन जो ऑन रहे जब तक ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है, आपको वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक ISO फाइल यहाँ पे शो कर रहा है जो है 800 MB का। सो आपको सारे टैब्स को जो है क्लोज कर देना है और ppsspp नाम का एक एमुलेटर जो है उसे करना है इंस्टॉल। आप ppsspp जो गोल्ड है, जो प्ले स्टोर में आपको पेड मिलता है, वो आप फ्री में भी कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसीलिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल गोल्ड को जो है ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके पास फ्री वर्जन है जो प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल रहा है वो अगर है तो अच्छी बात है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना ppsspp गोल्ड को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर रिसेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कोई गेम का आइकन है वो शो नहीं कर रहा है। आपको गेम्स में क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में चले आएंगे आप। और आपको सर्च करना है कि आपने किस फोल्डर में उस गेम को जो है रखा है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्शन किया था उस zip फाइल के अंदर। फिर उस zip फाइल के अंदर से तो गेम को निकल के आया है। तो आपको सर्च करना है कि आपने किस फोल्डर में रखा है, मेरे को गेम्स नाम का फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम का जो आइकन है यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपको इस गेम को सेटिंग में एक बार देख लेना है, सेटिंग का ठीक ठाक कर लेना है ताकि गेम जो है स्मूथली चल जाए। यहाँ पे मोड में आपको स्किप बफर इफेक्ट में क्लिक कर देना है, उसके बाद फ्रेम स्किपिंग में आपको 1 कर देना है, उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे सब ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, मतलब आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे इसमें कर्व क्वालिटी जो है इसका गेम का हर एक गेम का जो कर्व क्वालिटी होता है उसे कर देना है हाई में। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पे लोअर रेजोल्यूशन फॉर इफेक्ट्स इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे सेफ में क्लिक करना है और कुछ नहीं, बस अब आपके फ़ोन में ये गेम जो है स्मूथली चलेगा, कोई लैग जो है नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कोई लैग जो है नहीं कर रहा है। और इस गेम में आपको खास बात है कि इसमें आपको अच्छा क्वालिटी का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स का गेम है और ये 1 GB रैम के एंड्रॉयड डिवाइस में बहुत ही स्मूथली चलेगा, कोई लैग जो है नहीं करेगा। मेरा जो डिवाइस है वो 1 GB रैम का एंड्रॉयड डिवाइस है और उसमें ये गेम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम है वो चल चुका है, कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही है। सो आप भी इस गेम को ज़रा ट्राई करिए। मेरा यहाँ पे सेव डेटा है, तो आप गेम को जो ओपन करेंगे तो आपको सेव कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे इसका स्टोरी मोड दिखाएगा अभी, मैं पहले इसको स्किप करता हूँ और गेम प्ले दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी में आपको ग्राफिक्स जो है इसका, इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो कितना अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जा रहा है, तो आप जरूर इसे जरूर ट्राई कीजिए अपने फोन में। और ये ऑफलाइन गेम है, सो आप इसे ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। ये एक मूवी बेस्ड वीडियो गेम है जो PS2 में था और ये एंड्रॉइड में भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम जो है एकदम स्मूथली चल रहा है और कोई लैग जो है नहीं कर रहा है। सो आप जरूर इसको जरूर ट्राई कीजिए। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।